हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कुंदरू की भुजिया। तो कुंदरू की सब्जी ज़्यादातर भरमा बनाते हैं लोग, लेकिन अगर आप इस तरह से इसे भुजिया जैसे बनाएंगे ना, तो वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कुंदरू ले ली है और हम इसे बहुत पतला पतला काटेंगे, जिससे कि ये ईजीली कुक हो जाए। इसे मोटा मोटा कट करेंगे तो ये उतनी अच्छी तरीके से कुक नहीं हो पाएगी, ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो इसे पतला पतला कुछ इस तरह से हम कट करके ले लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुंदरू के बारे में। कुंदरू के सेवन से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इससे कब्ज, गैस, पेट दर्द, ऐठन और लूज मोशन जैसी कई समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। कुंदरू में पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। तो फायदों से भरे हुए कुंदरू को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो क्या आपके घर में कुंदरू की भुजिया बनाई जाती है? और अगर बनाई जाती है तो आप कैसे इसे बनाते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बातों ही बातों में कुंदरू कटकर तैयार हो गई है। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप्ड करके ले लिए हैं और स्वाद के अनुसार हरी मिर्च कट कर लेंगे। यहाँ सरसों का तेल लिया है। गर्म हो जाने के बाद इसे हम जीरे का तड़का लगाएंगे और प्याज और हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से सुनहरा होने तक कुक कर लेंगे। आप किसी भी तरह की भुजिया बना रहे हो तो तेल की मात्रा थोड़ी सी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि जब सूखी सब्जी बनती है तब उसमें पानी का यूज़ तो होता नहीं है, तो वो तेल से ही पकाई जाती है और भुजिया का स्वाद तेल से ही कुक होने के बाद अच्छा आता है। तो प्याज कुक हो गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन और अदरक को ग्रेट करके हमने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और मसालों में हम बिल्कुल बेसिक से थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो कई लोग इसमें टमाटर भी ऐड करते हैं, लेकिन हम प्रॉपर भुजिया बिल्कुल सूखी सूखी बनाने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो, कुंदरू का स्वाद थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा ककड़ी जैसा होता है। आप इसे कच्चा भी खाकर एक बार ज़रूर टेस्ट करें। तो हमने सब्जी को ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी आपको क्वांटिटी में ज़्यादा दिख रही है ना, जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी तब आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी में बहुत कम हो जाएगी। स्वाद के अनुसार हमने नमक ऐड कर दिया है। सबसे पहले मसालों के साथ इसे मिक्स कर देते हैं, फिर हम इसे ढक कर कुक करेंगे। और जब भी आप इस सब्जी को बनाएं, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे बनाना होगा। बिल्कुल फ्लेम को स्लो रखें और इसे कुक होने दें। धीमी धीमी आंच में जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तभी इसका मस्त सा स्वाद आएगा। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये सब्ज़ी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन जब भी आपको मिल जाए इसे छोड़ें ना। इसे अपने कार्ट में ज़रूर ऐड करें, सब्ज़ी मंडी से इसे ज़रूर खरीद कर लाएं और एक बार इस ट्रिक से इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही सिंपल बेसिक से मसालों के साथ हमने सब्ज़ी को तैयार किया है। अब हम इसे ढक कर फिर से कुक होने देंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कुंदरू की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है पहले से, और तेल भी अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। इतना ही आप भुजिया बनाने में यूज़ करें, तब आपकी भुजिया टेस्टी बनेगी। क्या आपको पता है वेज कोल्हापुरी महाराष्ट्र की फेमस डिश है। इसका नाम दक्षिण महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक शहर कोल्हापुर के नाम पर पड़ा है, जहां इस डिश की उत्पत्ति हुई है। तो ये थी आज की फूड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो भुजिया बिल्कुल तैयार है बनकर, आप चेक कर सकते हैं। ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, उतनी खाने में भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे बनाएं, ट्राई करें। लास्ट में इसे
फ्रेश कोरिएंडर लीफ के साथ मिक्स करके सर्व करें और रोटी के साथ, पराठों के साथ इसका आनंद लें। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके बता सकते हैं। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, मैं तो चली इसे सर्व करने के लिए। क्या आप भी इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो आ जाइए। होप यू गाइस एंजॉयड दिस रेसिपी। इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।